रुलाने में अक्सर उन लोगों का हाथ होता है जो कहते थे कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। लोग मुंतजर थे कि हमें टूटता हुआ देखें और हम थे कि बर्दाश्त करते करते पत्थर हो गए। तोड़ नहीं सकते तुम लोग मुझे, इस कदर भूखा हूं साहब, मैं अब धोखा भी खा लेता हूं। तोड़ नहीं सकते तुम लोग मुझे, बहुत जुल्म हुए मोहब्बत पर, जिन्हें मिल गई उन्हें कदर नहीं और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। चलो अंधेरा हो रहा है, अब दिल जलाते हैं और दिल जलाने के लिए एक बात याद रखना कि जो दिल के अच्छे होते हैं ना, जो दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका भरपूर फायदा उठाते हैं बहुत। मोहब्बत में शिद्दत की कभी भी जरूरत नहीं होती, मोहब्बत में इज्जत की जरूरत होती है। इज्जत दीजिए, शिद्दत तो खत्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत में इज्जत बरकरार रहती है। और आजकल जो सच को तमीजी नहीं बात करने की, बस झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, चार पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। मीम्स बनाओ, दिल चाहता है मीम्स बनाने का, बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता हूँ। वजह ये कि लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत परेशानी में हैं, उनके चेहरों पर अगर मुस्कुराहट बिखेर दी जाए, चूंकि मजायका नहीं, तुम तो मुस्कुराहट छीन लेना चाहते हो, तुम तो गालियां देना चाहते हो। किसी ने मुझे कहा कि और साहब आप ऐसा काम करते ही क्यों है कि आपको गालियां पड़े। जवाब मैंने कहा कि तुम गालियां देती क्यों रमजान में, खामोश रहा करो। डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं करने दो, तुम गालियां क्यों देते हो, जबान तो तुम्हारी खराब हो रही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सोच कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, क्योंकि हमारी मोहब्बत की कैद में जमानत नहीं होती। खुदा हाफिज़।